हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मज़ेदार वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि टायर कैसे चूज़ करने चाहिए, और मेरे गाड़ी में भी मैं टायर चेंज करने वाला हूँ, तो कौन से टायर हम लोग डालने वाले हैं ये दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये है मेरी बाइक कावासाकी वर्सेस, जो कि मोस्टली टूरिंग बाइक है। इसके अंदर अभी लगे हुए डनलॉप टायर की जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रेड है ये काफ़ी एक्सपोज हो चुके हैं, ये जो ट्रेड वेयर इंडिकेटर है ये काफ़ी घिस चुके हैं, सो सेफ नहीं है चलाना। तो आज हम लोग टायर चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में ये भी देखेंगे दोस्तों कि टायर आपको अगर चूज़ करना है आपके बाइक के लिए, तो आपको कैसे चूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे हम लोग। अब दोस्तों, आप अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहाँ पे हम लोग कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज और नॉलेज अपलोड करते रहते हैं, वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए। तो टायर जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइक का, आपका मनोरिंग, हैंडलिंग, ब्रेकिंग सब होता है ये टायर के थ्रू। तो आपको पहले समझना है कि आपकी पर्पस क्या है राइड की। आप मोस्टली सिटी राइड्स कर रहे हो या फिर आप हाईवे चला रहे हो, तो आपका क्या पर्पस होना है। मान लो एक ऐसा टर्न आ जाता है क्योंकि आप अननोन रास्ते पे चलते हो, एकदम शार्प टर्न आ गया, आपका स्पीड ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अगर आपको लीन ओवर करके गाड़ी को टर्न करना है तो उस टाइम पे आपके टायर आपको सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे शूज़ अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे क्रिकेट के लिए अलग शूज़ है, आप बॉलिंग कर रहे हो तो अलग शूज़ है, बैटिंग कर रहे हो तो अलग शूज़ है, आप फुटबॉल खेल रहे हो तो अलग शूज़ है, और आप अगर बास्केटबॉल खेल रहे हो तो अलग शूज़ है, आप अगर टेनिस खेल रहे हो तो अलग शूज़ है। तो वैसे ही टायर्स होते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, अलग अलग बाइक्स के लिए। सो हम लोग देखेंगे आज कौन से टाइप के टायर्स है अवेलेबल। वीडियो चालू करने के पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला इस वीडियो के लिए। मैं जो भी बता रहा हूँ वो जेन्युइन एक फीडबैक और एक एक्सपीरियंस के ऊपर ही बता रहा हूं आपको, कि आपका डिसीजन राइट हो टायर चूज करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी है टायर की। अभी पहले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपको टायर कैसे चूज करना है। अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, क्रॉस प्लाय जो बायस टायर होते हैं, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ग्रिप भी अच्छी होती है, ये बेसिकली स्पीड ओरिएंटेड नहीं होते हैं। और दूसरा, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक जैसे सुपर बाइक्स काफ़ी हाई स्पीड में चलाते हो, ब्रेकिंग की ज़रूरत अच्छी होती है, ग्रिप की ज़रूरत अच्छी रहती है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स टायर। आप ज़्यादा टूरिंग करते हो तो टूरिंग टायर काफ़ी अच्छे होते हैं। ऑन एंड ऑफ अगर आप टूरिंग करना चाहते हो और थोड़ा ऑफ रोड भी चलाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से टायर आते हैं, रेसिंग के लिए टायर्स अलग आते हैं। तो आपको आपकी जो राइड है, गाड़ी है, उस हिसाब से आपको टायर चेंज करने होते हैं। तो और टूरिंग मतलब मोस्टली आप अगर ज़्यादा टूरिंग करते हो तो उसके लिए टूरिंग टायर्स है, जैसे हार्ली वार्ली के लिए हो गया ME 888 और ME 880 भी आता है उसमें, उसका फोटो नहीं है यहाँ पे। रोटेक 1 काफ़ी बेहतरीन पैटर्न है। आप अगर ऑन एंड ऑफ रोड करते हो तो ये काफ़ी अच्छे टायर्स है। इसमें जो सहारा और ये एक्सट्रीम है, ये हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए है। टोरेंस नेक्स्ट या कारू स्ट्रीट, ये काफ़ी अच्छे टायर्स है आपके टूरिंग प्लस ऑफ रोड के लिए। और कारू 3 है, ये काफ़ी अग्रेसिव ऑफ रोडिंग पैटर्न है। रेसिंग के लिए दोस्तों अलग पैटर्न आते हैं, तो रेसिंग में रेस्टेक RR आता है, रेस्टेक RR स्लिक आता है, स्लिक मतलब NHS टायर काफ़ी फ्लैट होते हैं। देखो यहाँ पे कोई साइपिंग्स वगैरह नहीं दिख रही है आपको, लेकिन इंटरमीडिएट जैसे थोड़ा बारिश या वेट ट्रैक है तो उसके लिए, वेट ट्रैक के लिए जो साइपिंग्स दिए वाटर इवैक्यूएशन के लिए, तो ट्रैक के ऊपर ये रेस्टेक इंटरमीडिएट करके एक इनका आता है। और रेस्टेक रेन, जब बारिश होती है तो रेस्टेक रेन का यूज़ होता है, क्योंकि वाटर को बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो बाइक स्किड करेंगी। तो ये हो गए मेटजलर के। अभी दोस्तों देखते हैं पिरेली में क्या क्या ऑप्शन है। पिरेली के अंदर भी क्रॉस प्लाय जो है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, टूरिंग है, ऑन एंड ऑफ है, और रेसिंग कैटेगरी है। सो ये जो है ये कम्यूटिंग टायर्स है, जो कम्यूटिंग के लिए होते हैं, ये होते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के टायर, ये सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। तो डियाब्लो रोसो 2, डियाब्लो रोसो 3, रोसो कोर्सा 2, फिर डियाब्लो रोसो कोर्सा, डियाब्लो करके एक आता है और एक डियाब्लो सुपर कोर्सा SP। सो ये काफ़ी अच्छे टायर्स है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए है जिसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। आपको लाइफ अगर ज़्यादा चाहिए, जो टूरिंग और स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ होते हैं, वो है एंजल ST, उसका सक्सेसर है एंजल GT, और यहाँ पे एक एंजल GT2 भी आया है, ये पोस्टर थोड़ा पुराना है, तो GT2 ये एडवांस है। एक नाइट ड्रैगन और फैंटम स्पोर्ट्स कॉम, ये फैंटम स्पोर्ट्स कॉम जो है ये आपका रॉयल इनफील्ड की इंटरसेप्टर में और कॉन्टिनेंटल GT में लग के आ रहा है अभी। और नाइट ड्रैगन ये मोस्टली हार्ली वार्लीस के लिए अवेलेबल है। स्कॉर्पियन ट्रेल 2 जो मल्टी स्टाडा में लग के आता है, स्कॉर्पियन ट्रेल जो ये पुराना पैटर्न था, MT 60 वर्सेस वगैरह के लिए, टाइगर वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये भी काफ़ी फेमस है स्कॉर्पियन रैली STR।
तो ये दोस्तों हो गए सारे आपके ऑन एंड ऑफ के लिए। तो अगर ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये टायर को चूज करना है आपको। आपको अगर टूरिंग करना है तो ये टायर अच्छे है। आपकी अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के टायर को चूज किए। रेसिंग कैटेगरी दोस्तों, रेसिंग में देख सकते हैं आप लोग डियाब्लो सुपर बाइक एनएचएस मतलब नॉन हाईवे सर्विस टायर्स, डियाब्लो सुपर कोर्सा SC2 और डियाब्लो रेन। ये जब बारिश होती है ट्रैक में और ट्रैक वेट होता है तभी ये रेन का यूज होता है, वेट के लिए अलग होता है। तो वेट ट्रैक है तो ये टायर यूज होता है, रेन अगर बारिश गिर रही है तो ये, क्योंकि वाटर इवैक्यूएशन के लिए जगह होनी चाहिए। और ये अगर ऐसे स्लीक टायर रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं फिसलेंगे हाइड्रो प्लानिंग की वजह से। सो ये सारी कैटेगरी के टायर्स है अवेलेबल। आपकी जो राइडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आपको चूज करना है। सो दोस्तों, काफ़ी लोग जो स्कॉर्पियन रैली STR है ये KTM ड्यूक में डालते हैं। अगर आपको लद्दाख वगैरह करना है तो ये काफ़ी अच्छा टायर है। और अगर आप सिटी के लिए राइड कर रहे हो या आप स्ट्रीट राइड कर रहे हो तो उसके लिए रोसो 2 काफ़ी अच्छा है। RC वगैरह ले चला रहे हो तो उसके लिए रोसो 2 अच्छा है। रोसो 3 भी बहुत अग्रेसिव पैटर्न है जो कि आप अगर ट्रैक वगैरह पे जाने वाले हो तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन टायर है। तो आप इस हिसाब से जैसे आपका राइडिंग स्टाइल है उस हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग किस्म के टायर्स बनाए हुए हैं। दोस्तों पिरेली मेटजरर में क्या क्या अवेलेबिलिटी है वो भी दिखा दिया है आपको। मिशलिन का बात करेंगे दोस्तों, मिशलिन में रोड 5 और एडवेंचर के लिए आना कि एडवेंचर उन्होंने कुछ लिमिटेड साइजेस में लाया है इंडिया में। और उनका जो टूरिंग टायर है वो रोड 5 है। और स्पोर्ट्स के लिए उन लोगों के काफ़ी लिमिटेड पैटर्न्स है, लेकिन RS वगैरह जो नए नए मॉडल्स है फ्यूचर में ये इंडिया में आने वाले हैं। सो जब भी आएंगे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। आप अगर हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे काफ़ी हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ स्टोरीज़ वगैरह अपलोड करते रहते हैं बाइक रिलेटेड कार रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे देखने मिलेंगे। तो जब भी मैं राइडिंग के लिए जाता हूँ, काफ़ी टूरिंग करता हूँ, जैसा 1000-2000 किलोमीटर का टूरिंग करता हूँ, तो मोस्टली क्या होता है कभी कभी कर्व्स आते हैं जहाँ पे मुझे टर्न लेना होता है तो टायर सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पास में टूरिंग टायर है तो वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इमीजिएटली टर्न आया, आपको टर्न लेना है, आप 100 के स्पीड में हो, आप स्लो करते हो तब तक टर्न आ जाता है। तो आपको जब कर्व लेना है, जैसा टर्न करना है, तो उस टाइम पे आपका टायर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे आपको ग्रिप की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो कौन सा टायर मुझे इसमें ग्रिप देगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंजल GT जो कि ड्यूल कंपाउंड है, मीडियम में हार्ड कंपाउंड होता है सेंट्रल पोर्शन में और जो कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर होता है सॉफ्ट कंपाउंड। और ये सारी 1000 cc के ऊपर की सुपर बाइक्स के लिए भी आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं एंजल GT के साथ जाऊँ जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है राइडिंग के लिए। और मेरा एक दोस्त है आशीष चंद्रात्री, अगर आप उसे जानते होंगे, तो उससे भी मैंने पूछा था कि उसके गाड़ी में मैंने एंजल GT भी डाले थे पहले, उसके बाद में उसने MT60 भी डाले थे और उसने भी मुझे कहा कि एंजल GT का जो कंपाउंड है दोस्तों वो मेरे राइडिंग स्टाइल को भी सूट करता है, मेरे बाइक को भी सूट करेगा। तो हम लोग आज जा रहे हैं एंजल GT के साथ में। तो यहाँ पे टायर लग चुके हैं एंजल GT 160/60/17 जो मेरा स्टॉक साइज है। यहाँ पे देख सकते हो GT लिखा हुआ है। अभी इस टायर को एंजॉय करेंगे। आगे का भी फिटिंग हो चुका है, आगे भी डाला है 120/70/17 एंजल GT। राइट टायर चूज करना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसी आपकी बाइक परफॉर्म करती है, जैसा आपका राइडिंग स्टाइल है, उस हिसाब से आप टायर को चूज कीजिए। आपको अगर टूरिंग करना है तो टूरिंग लीजिए, ऑन एंड ऑफ रोड करना है तो उस हिसाब से टायर चूज कीजिए। राइट टायर चूज करोगे तो कंफर्ट अच्छा आएगा, बाइक को एंजॉय कर पाओगे आप। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लेना। राइडर प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।